अशोक चौहान ने एसटी महकमे की हड़ताल को भी बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना करार दिया। एसआरटीसी महकमे के मुलाजिमीन की रियासत गिर हड़ताल की वजह से दिवाली की तातीलात पर घर जाने वाले मुसाफिरीन परेशानी का शिकार हैं। इन मुसाफिरीन के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम ना करने पर अशोक चौहान ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अशोक चौहान का इल्जाम है कि एसटी महकमे के मसाइल को हल कराने में भी बीजेपी नाकाम हुई है और मुसाफिरीन को परेशानियों से बचाने में भी नाकाम हो गई। बसों में सफर करने वाले आम लोग बीजेपी की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज परेशानी का शिकार हैं। आज एसटी की बसेस का स्ट्राइक चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में बसेस तकरीबन ठप है, बंद है, वाहतूक बंद हो चुकी है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने उनसे पहले बात करके कुछ फैसला करते तो शायद दिवाली के मौके पर ये नौबत नहीं आती थी। आज एसटी बस से ट्रैवल करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत गरीब व्यक्ति है। वो कोई कार वाला या एरोप्लेन से चलने वाला आदमी कोई एसटी बस से जाता नहीं है। तो आम आदमी जो है वो दिवाली के मौके पर आज बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। एसटी स्टैंड पे बिल्कुल पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ वहाँ एक भी बस जाती नहीं है। और सभी लोगों ने दिवाली के लिए जो गांव के लिए अपना आरक्षण किया था, बस के रिजर्वेशन किए थे, वो सब लोग आज बड़े मुश्किल में आ चुके हैं। अपने मुंबई में कोई अटके हुआ है, कोई बड़े शहरों में अटका हुआ है, अपने गाँव तक पहुँचने के लिए उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। और गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव दूसरी कोई सुविधा जो देने की अपेक्षा थी वो भी नहीं किया है। तो सातवां वेतन आयोग लगाने की जो बात है बिल्कुल तो सरकार का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन जब लॉस में चलती है तो सरकार का काम है इसको प्रॉफिट में लाया जाए। परिवहन मंत्री उनका क्या काम है मुझे बताइए। जब आप 3 साल में सरकार आपके काम कर रही है, आपका फर्ज नहीं था कि आप इस परिवहन सेवा को प्रॉफिट में लाएं, उसको हम लोग काम अच्छी तरह से करें ताकि प्राइवेट सेक्टर से हम लोग उससे कम्पीट करें और अच्छा रिजल्ट दें। ये तो कुछ किया नहीं है। और आज जब लोगों के जो रीजनेबल मांग है उसमें हम लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पे कि जब त्यौहार चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, और आप लोगों के लिए इतनी असुविधा आपने निर्माण की है, सरकार जवाबदार है।